हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो, सब मस्त होंगे? मैं भी एकदम मस्त। दोस्तों आज मैं डंगरे ले जा रही हूँ ना, मैं आपको बताऊँगी कि हम यहाँ पे डंगरे चराते हैं मतलब सुबह सुबह रोज ही, और आज मेरी टर्न लग गई है तो देखती हूँ ये मेरे पास मतलब मैं चरा पाती हूँ उनको पूरा दिन ढंग से या फिर भाग जाएँगे मेरे पास से, कोई पता नहीं है गाइस। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और गाइस पीछे मौसम देख सकते हो कितना मतलब ऐसा लग रहा है, पता नहीं कहाँ ही आ गई हूँ मैं। देखो गाइस मौसम देखो किस तरह से हो गया, एकदम कोहरा पड़ा हुआ, इतना कोहरा पड़ा है ना मतलब मैं क्या बताऊँ, कुछ दिख भी नहीं रहा है ज़्यादा, मतलब जिस शक्ल दिख रही है अपनी और मेरे तो डंगरे दिख रहे हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को गाइस, थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है मतलब इधर उधर का कुछ भी नहीं दिख रहा है। देख सकते हो आप, तो देख सकते हो आप कुछ भी नहीं दिख रहा है, जस्ट इतना ही दिख रहा है क्योंकि कोहरा कोहरा पड़ा हुआ है सारे में। देखो गाइस कुछ भी नहीं दिख रहा है इधर उधर, मतलब पेड़ पौधे कुछ भी नहीं दिख रहा, देखो सब ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा है, बस डंगरे दिख रहे हैं और एक मेरा आगे चले गया। इस कोहरे में मेरे को दिखेगा भी नहीं अगर मैं साथ साथ नहीं ले जाऊंगी इनको, तो अगर गाइस एक भाग जाएगा ना तो दूसरे को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको, मतलब इधर उधर का कुछ दिख नहीं रहा है। देखो सीधा इतना सा ही दिख रहा है, थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है इधर उधर का अपने वाला मेरा। दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पर और नीचे मेरे डंगरे जो है चर रहे हैं और मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो इनको खाने दो घास और मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पर। यहाँ पे थोड़ा मतलब है सूखा जैसे, वैसे बारिश हुई है पहले जैसे बट अभी थोड़ी रुक गई है बारिश। और गाइस कोहरा बिल्कुल ऐसे पड़ा, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है अब, देखो पीछे थोड़ा थोड़ा पर दिख नहीं रहा है कैमरे में, ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है मतलब मैं देख सकती हूँ कि हाँ कितना क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा जस्ट थोड़ा सा, और अभी कुछ दिख रहा है आमने सामने का। और तो गाइस इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा है ना मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि तो मेरे को डर लगता है कोहरे में अगर ज़्यादा कोहरा पड़ जाता है तो अंधेरा अंधेरा स्वेद स्वेद कुछ दिखता ही नहीं है ना, इसलिए गाइस मैंने सुबह सुबह मुँह भी नहीं धोया और मैं आ गई हूँ सीधा उठ के डंगरे चराने के लिए, और फिर क्योंकि बारिश आ जाएगी नहीं तो ना, तो सीधा आ गई मैं उठ के। गाइस अभी कोहरा हो गया है क्लियर, देख सकते हो आप सारे में यहाँ मतलब नीचे नीचे का कोहरा जो बिल्कुल क्लियर हो गया है, और ऊपर ऊपर तो है देख सकते हो आप, नीचे नीचे जो है कोहरा अभी ना पूरा चला गया है, ऊपर ऊपर को उठ गया है। और गाइस यहाँ पे ना मेरी ताई जी के भी डंगरे आए हुए हैं, ताई जी जो ऊपर बैठे हैं, ताई जी के डंगरे गाइस मेरा जो है ना बैल वो यहाँ ऊपर जैसे है बिल्कुल यहाँ पर खड़ना कर रहा है अब। और गाइस मैं अभी ना स्कूल के ऊपर आ गई हूँ, बिल्कुल स्कूल के पास ही आके मेरा स्कूल ये यहाँ का प्राइमरी स्कूल, वैसे मैंने ना स्कूल में पढ़ाई नहीं की है बट ये प्राइमरी स्कूल है क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती थी ना, इसलिए मैंने तो स्कूल में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन है तो प्राइमरी स्कूल इस गांव का ही है, मतलब मैं भी इस गांव की हूँ बट मैं यहाँ रहती नहीं थी पहले ना, तो इसलिए अपना स्कूल नहीं बोल सकती मैं इसको क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ी नहीं हूँ ना, इसलिए मैं इसको खुद का स्कूल तो नहीं बोल सकती बट हाँ मतलब स्कूल है। और यार अभी तो पूरा बिल्कुल क्लियर हो गया, बैठना पड़ेगा यहाँ पर। और गाइस यहाँ पे दीवार लगी हुई थी ना, ऐसी जैसी दीवार वहाँ पे है ना वैसे यहाँ को पूरे में लगी थी यहाँ साथ, बट ये जो है पूरी गिर गई अभी। और हे गाइस यार अभी मुझे लगाना पड़ गया गाइस इसको सिर में क्योंकि यहाँ पे जो है ना छोटे छोटे होते क्या बोलते हैं उनको यार, मच्छर वगैरह खा रहे हैं ना, और यहाँ पे एक होते छोटे छोटे देखो ये ना यार क्या हो गया है। गाइस मेरे डंगरे देखो यहाँ पहुँच गए, इतने भागे हैं ना सड़क सड़क से यार, मैं इतनी ऊपर जाके थी और ये गाइस कहाँ मैं ऊपर बैठी थी गाइस, ऊपर से मैं बढ़िया से बस वीडियो बना रही थी रील्स बना रही थी, और मेरे डंगरे कहाँ मानते हैं आ गए यहाँ पे एकदम रोड के पास गाइस, और लोग मुझे देख के ना सुबह सुबह मेरे को लगता है डर रहे हो गए, ऐसा ना हो वो लार होते हैं ना जानवर भी पर इंसानों कोई बस बीमारी लगी है बेवकूफ़ वाली हरकतें करने की, देख लो मेरे डंगरे कोई देख लो गाइस इतनी पर था है, मतलब वहाँ पे नीचे गया था, और ये जो मेरे एक बैल बड़े वाला भाग के आ गया यहाँ से नीचे से होते हुए यहाँ पे पहुँच गया। और गाइस देखो दूसरा भी मतलब इसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया, मतलब होते जानवर भी समझदार, और यार कौन बोलता है कि जानवर समझदार नहीं होते। तो गाइस कैसे देख रहा था ये अभी इधर कहाँ गया इसका दूसरा वो साथी, बट अभी आ जाएगा ये यहाँ पे थोड़ी देर के बाद, देखो गाइस ढूंढ रहा है ये कि कहाँ गया।
तो दोस्तों मेरे डंगरे जो यहाँ पे आ गए हैं नीचे खेत में, क्योंकि मम्मा ने यहाँ पे ना डंगरे चराए थे गाइस, और तो इसलिए मेरे डंगरे यहाँ पे आ गए ऊपर से भागते हुए सड़क से होके नीचे को खेत आते ना यहाँ पे। ये यहाँ के नीचे को हमारे खेत था, ये बिल्कुल मतलब ऐसे है ना देवदार के वृक्षों के बीच में है ना, तो यहाँ पे मतलब हम ज़्यादा कुछ बीजते नहीं है, कोई कोई बीजते हैं थोड़ा बहुत मतलब घास के लिए बीजते हैं, वो भी क्योंकि यहाँ पे मतलब पैरादार तो हो नहीं पाती है बंदरों की, इसलिए यहाँ पे कुछ बीजते नहीं है। और यहाँ पे डंगरे वगैरह चराते हैं हमारे, तो हम तो वैसे भी कम बीजते हैं, मतलब जो हमारे घर के नज़दीक नज़दीक पड़ते हैं उनको ही बीजते हैं, और दूर दूर होते हैं वहाँ सिर्फ हम घास लाते हैं। और तो मम्मा ने यहाँ पे ना डंगरे चराए थे, यहाँ पे आ गए ये डंगरे सारे। और गाइस कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ गया है, होप सो दोस्तों मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो। और गाइस अगर आपको पसंद आई है मेरी वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, एंड गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। गाइस मैं डंगरों को अभी थोड़ी देर में ले जाऊंगी घर को, तो गाइस बाय बाय, टेक केयर।